चंपावत जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने विकास भवन स्थित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर औचक निरीक्षण किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अवकाश स्वीकृत किए बिना अनुपस्थित पाए जाने पर कोषागार को वेतन रोकने के दिए निर्देश। मंगलवार सुबह द्रौपदी का डांडा चोटी में निम के एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स में गए प्रशिक्षकों में शामिल पर्वतारोही सविता की एवलांस में दबने से मौत हो गई। एवरेस्ट विजेता सविता ने इसी साल माह मई में 15 दिन के अंदर एवरेस्ट और माउंट मकालू पर्वत पर सफल आरोहण कर नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम किया था। जिला मुख्यालय चंपावत के लोगों की पेयजल किल्लत होगी दूर। क्वेराला पंपिंग योजना में मंगलवार से पेयजल आपूर्ति शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने आगामी 15 अक्टूबर को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग कॉलेज टनकपुर में प्रस्तावित एक दिवसीय रोजगार मेले की तैयारियों के संबंध में विभागों के अधिकारियों से बैठक कर सफल संचालन हेतु दिए निर्देश। उत्तराखंड में मंगलवार शाम को 7 बजे पौड़ी जिले में बारातियों से भरी बस खाई में गिरने की घटना सामने आई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घटना स्थल पर पहुंचे और घायलों के बेहतर इलाज के दिए निर्देश। रुक करते हैं खेल की तरफ। नेशनल गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर काशीपुर की पायल ने इतिहास बना डाला। पायल ने एथलेटिक 35 किलोमीटर वॉक रेस में स्वर्ण पदक किया अपने नाम। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार।